वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर कायम होने वाली टास्क फोर्स बिजली और गैस चोरों का कला कमा करने के लिए कमर बस्ता है। डीसी और लाहौर की टीम लेस्को और स्वीट नॉर्दर्न गैस की टीम के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रही है। दरोगावाला में दो स्टील मिल्स में बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को के सीनियर इंजीनियर ये तो मानते हैं कि बिजली चोरी हो रही है, लेकिन कैसे और क्यों ये बताने से गुरेजा है। इन्वेस्टिगेट करना है ना अभी, कि अगर पहले ये चेक होता रहा है, यकीनन एस्टिमेटिंग लेता रहा है इसकी, तो क्यों कार्रवाई नहीं की हुई? जो जो जिम्मेदार है, इसलिए कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोड मैनेजमेंट के दौरान किसी भी इंडस्ट्री में गैस इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन क्या कहिए, महकमा में मौजूद काली भेड़ों की मिलीभगत से लाहौर जैसे शहर में ये भी हो रहा है। महकमा के कर्ता धर्ता कहते हैं ये गैस चोरी नहीं बल्कि लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी है। फैक्ट्री जो है वो ऑपरेट हो रही थी गैस पे, ये ड्यूरिंग द लोड कंटेनमेंट डेज हैं, इसमें जो सीएनजी और इंडस्ट्रीज बंद होती हैं उनमें गैस पे ऑपरेट कर रहे थे। जिले इंतजामिया की टास्क फोर्स के शुरका का कहना है कि वो गैस और बिजली चोर माफिया के खिलाफ पूरी तरह सरगर्म अमल है। गैस और बिजली चोरों की गिरफ्तारियां भी की जाती हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है। लोड जो है वो सैंक्शन लिमिट से मैनी फोल्ड ज्यादा था, और साथ ही साथ आपने देखा कि सुई गैस का भी जो है एसएनजीपीएल वाले लगे हुए हैं। आज लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग के बावजूद वहां पर अंदर सुई गैस का बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है। अलकमर और दाता स्टील मिल्स में तो गैस और बिजली की चोरी पकड़ी गई, गिरफ्तारियां भी अमल में आई, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या काली भेड़ों की मिली भगत के बगैर ये चोरियां मुमकिन है? क्या इन काली भेड़ों के खिलाफ भी कभी एक्शन लिया जाएगा? कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ मियां शाहिद नदीम, वक्त न्यूज़, लाहौर।